Oh shit, here we go again. Yeah, Faltu. हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर, रोथर जेलिस इज माय नेम, और स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में, राइट। सो आज का जो सवाल है कि हम 12वीं के बाद, 12th के बाद, व्हाट इज द मिनिमम परसेंट रिक्वायर्ड इन 12th टू अप्लाई गवर्नमेंट कॉलेज। कैसे पता करेंगे कि 12वीं के परसेंटेज के आधार पर रिजल्ट वगैरह आ चुका है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या उस कॉलेज में जिसके लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरा जो ड्रीम कॉलेज है उसमें मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी इसमें, फिर से क्या एक क्रोनोलॉजी आपको यहां पर समझनी होगी कि अगर आप 12th में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिर से सुनिएगा, तीन सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट में मिला के अगर आपका 50% है, 50% है, तो आप पहले तो एलिजिबल हो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट के लिए, राइट। अब जैसे अगर हम बात कर लें मध्य प्रदेश के कॉलेजेस की, तो मध्य प्रदेश के कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है डीटी के तौर, तो उसने एक नियम ही बना दिया है कि भैया आपका ये 50% अगर कम होगा तो हम आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करने देंगे। क्या नहीं करने देंगे? रजिस्ट्रेशन। 49.5% भी होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करने देगा, लॉग इन ही नहीं करने देगा। तो यहां पर ऑप्शन ही खत्म नहीं हो गया। इसका मतलब यह है कि जितने भी मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट हो, उसमें आप एडमिशन ले ही नहीं पाओगे। कैसे लोगे जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, राइट। सीएलसी हो या डायरेक्ट एडमिशन हो, कुछ भी हो, चांसेस ही नहीं। लेकिन अब अगर आपके 45% है और अगर आप ओबीसी के हो तो आप एलिजिबल हो, एससी एसटी के हो तो 40% पे भी एलिजिबल होता है, कोटा सिस्टम है। जनरल वालों के लिए थोड़ा सा मुसीबत है कि जनरल वाले अगर आप हो और 50% है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तीनों को मिलाकर, तीनों के नंबर मिला के 50% होना चाहिए, राइट। एससी एसटी वालों के लिए 40 मैंने बता दिया, ओबीसी वालों के लिए 45, ये एक क्राइटेरिया है। लेकिन अब भैया क्या करें, कि कैसे पता कर सकते हो कि आपका अगर ये परसेंटेज नहीं है, आप कहां के लिए यू नो एलिजिबल हो या नहीं हो। मान लीजिए मेरे 40% है, 38% है 12th में, तो अब ये नियम असल में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही नहीं है, AICTE शायद आपने नाम सुना होगा। इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं और इससे एफिलेटेड है, कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत आते हैं, और यही डिसाइड करता है कि क्या क्राइटेरिया होगा टेक्निकल इंस्टीट्यूट का, जितने भी इंजीनियरिंग करा रहे हैं उनका क्या क्राइटेरिया होगा। तो इसने भैया एक नियम बना दिया, सिंपल सा नियम है कि भाई आपके 50% तो होने ही चाहिए, राइट। लेकिन अब इन दैट केस में अगर आपके 50% नहीं है तो फिर आ जाती है वाइल्ड कार्ड एंट्री यहां पर यूनिवर्सिटीज की। अब ये यूनिवर्सिटीज क्या है, ये भैया वो है जो कहीं ना कहीं सारी चीज खुद करते हैं, पेपर भी खुद बनाना है, एग्जाम भी खुद लेना है, और सारी चीजें इन्हीं को करना है भाई साहब, राइट। तो ये फिर एडजस्ट कर लेते हैं और यहां से और वहां से और ये सारी चीजें, क्योंकि ये चाहे तो 80% पे ले और ये चाहे तो, क्राइटेरिया तो फिक्स है, लेकिन चाहे तो, समझ रहे हो ना, समझ गई। सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये कम परसेंटेज पे भी ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और आप कॉलेज आओ नहीं आओ, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे करते हैं यहाँ पर कि आपका अटेंडेंस भी माफ कर देते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो यहाँ पर यही वो सिस्टम है। ओके, सो अब दोबारा दूसरा जो क्वेश्चन है कि मुझे पता कैसे करना है कि मैं इस परसेंटेज पे इन इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हूं। तो पहली चीज, एलिजिबल तो आप हो, अगर आपके 50% हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो आप एलिजिबल हो गए। अब मान लीजिए आप अगर SRM, BIT और मणिपाल ये तमाम कॉलेजेस जा रहे हो, तो आपको ये समझना होगा कि BIT में एडमिशन कैसे मिलेगा, उसके एक एग्जाम होगा BIT EEEE के थ्रू, तो आप वहां जाओगे। SRM में एडमिशन क्या हो, कैसे होगा, वहां का एग्जाम होगा। बिट्स का कैसे होगा, बिट सेट एक एग्जाम होता है उसके थ्रू होगा, राइट। मणिपाल में कैसे होगा, तो ये भी आपको समझना है। ITs, NIT, IIT या गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस जाते हो तो आपको क्या करना होगा, जोसा की काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। महाराष्ट्र या पुणे का कोई कॉलेज चाहिए तो आपको MHCET की काउंसलिंग करनी होगी। बेंगलोर का कॉलेज चाहिए तो आपको बेंगलोर की काउंसलिंग करनी होगी। यूपी का कोई कॉलेज चाहिए तो यूपी की करनी होगी। तो बड़ा सा सिंपल सा फैक्ट है, आप इतना परसेंट हो तो फिर आप एलिजिबल हो, फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा उस काउंसलिंग में।
उस काउंसलिंग में बहुत सारी स्टेट JEE का अगर आपने एग्जाम दिया है या उसमें बैठ भी गए तो आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं। कई यू नो कई बोलते हैं कि हमें JEE से मतलब नहीं है, हमारी गवर्नमेंट खुद का एक एग्जाम कराएगी, आप उसको दीजिए और उसके बेसिस पे आप इन कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करिए। तो सीधी सी सिस्टम है भाई, यहाँ पर कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, राइट। सो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग हो रही है जिसको हम जोसा बोल रहे हैं और एक स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग हो रही है। जैसे कि आपने चुनाव में देखा होगा भैया, क्या देखा होगा चुनाव में, क्या होता है कि देखो यहाँ पर एक MP सांसद होता है और एक होता है MLA, राइट। तो ये एक CM है, एक PM है। अब जो CM वाले चुनाव ही अलग होते हैं, PM वाले चुनाव अलग होते हैं। CM जो होता है वो स्टेट का होता है, अथॉरिटी क्या है स्टेट की है, और PM जो है पूरे इंडिया का है। तो कुछ चीजों में ये इंटरफेयर कर सकता है, कुछ चीजों में नहीं कर सकता है। सो जैसे भी सेंट्रल जो जोसा की काउंसलिंग है वो सारे के सारे सेंट्रल, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो कॉलेजेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको हैंडल कर रही है उनके लिए होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी कैसे होती है, अलग अलग स्टेट खुद की भी काउंसलिंग कराते हैं और कई स्टेट उसी को एक्सेप्ट भी करते हैं। किसको? JEE को, खुद का एग्जाम्स कराते हैं या फिर वो खुद को एक्सेप्ट करते हैं। तो आई थिंक डाउट थोड़े से क्लियर होंगे यहाँ पर, लेकिन इसके बाद भी अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछो, हक से चलो करें इंजीनियरिंग। वन मोर थिंग, DTE से रिलेटेड एक सेमिनार वेबिनार में करता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां पर डिटेल दी गई होगी, देखो उसमें, वहां पर आपको दिया गया है जिसको आप 1.5 घंटे का सेमिनार वेबिनार होगा, 99 या 199 प्राइस होगा, आज उसको अटेंड करने के बाद आपके डाउट्स क्लियर होंगे। एक और चीज हमने कोर्स सेक्शन यहां बनाया हुआ है, कोर्स में हमने स्टेप वाइज स्टेप हर चीज कवर की है। हमने ये भी बताया कि इस परसेंटेज पे इस कॉलेज को अप्लाई करना है, नहीं करना है, कैसे आप इंटरनल ब्रांच चेंज करोगे, सारी चीज हर स्टेप। तो अगर आपने वो कोर्स आपके पास है DTE का, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सारी की सारी अथॉरिटी, देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन, और उसके बाद आप काउंसलर से बात भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, थैंक्स। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, राइट, वो भली पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के डाउट से रिलेटेड हो या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सो एक डेडिकेटेड चैनल हमने 100% यहाँ पर बनाया है और उसका मकसद यहाँ पर आपको नीट और JEE से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है। जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया।